अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा क्या होता है तो चलिए देखते हैं। आलमी अदब में सिर्फ ड्रामा को हमेशा से बुलंद मुकाम हासिल रहा है, वो हिंदुस्तान हो, यूनान हो या बरतानिया, हर जगह इस सिंफ की पजीराई और तरक्की हुई है। ड्रामे की मुख्तलिफ तारीफ की गई है, मगर इसकी एक सादा सी तारीफ यह है कि ड्रामा किसी किस्से या वाक़े को अदाकारों के ज़रिए नाज़रीन के रूबरू अमलन पेश करने का नाम है। यानी कि ड्रामा किसी किस्से या वाक़े को अदाकारों यानी कि कैरेक्टर किरदारों के ज़रिए नाज़रीन यानी कि देखने वालों के सामने अमलन पेश करने का नाम है। इससे वाजिया हुआ कि ड्रामा नॉवेल या अफसाने की तरह सिर्फ लिखे या पढ़े जाने तक महदूद नहीं है, इसके लिए पेशकश ज़रूरी है, यानी कि ड्रामे के लिए पेशकश ज़रूरी है, बल्कि ये मुकम्मल ही तब होता है जब इसे अमलन स्टेज पर पेश कर दिया जाए। नॉवेल और अफसाने की तरह ड्रामे में भी प्लॉट, किरदार, मुकालमा और कोई ना कोई मरकज़ी ख्याल होता है, मगर किस्से की अमली पेशकशी इसे नॉवेल और अफसाने से अलग करती है। बुनियादी तौर पर ड्रामे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, पहला ट्रेजेडी यानी अलमिया, दूसरा कॉमेडी यानी कि तरबिया। इन दोनों अनासी यानी अलम व तरब के इम्तिजाज से भी ड्रामे लिखे गए हैं। इस तरह अलमिया तरबिया वजूद में आया। इसके अलावा मेलो ड्रामा, फारस, ड्रीम और ओपेरा भी ड्रामे की इकसाम में शामिल है। उर्दू ड्रामे की इब्तदा 1844 ईस्वी से 1855 ईस्वी के दौरान वाजिद अली शाह की ड्रामाई पेशकश और अमानत व मदारी लाल के इंदर सभाओं से लखनऊ में हुई, मगर इसे उरूज हासिल पारसी स्टेज के ड्रामों से हुआ। जिस ज़माने में लखनऊ और उसके गिरदोनवा में इंदर सभाओं की धूम मची हुई थी, उसी ज़माने में मुंबई में मगरबी असराफ के तहत एक नए किस्म का ड्रामा वजूद में आ रहा था, जिसे पारसी स्टेज का नाम दिया गया। ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी इब्तदा और तरक्की में पारसियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पारसी स्टेज का पहला ड्रामा खुर्शीद है, जिसे 1870 ईस्वी में ऐदलजी घोरी ने लिखा था। इससे पहले भी कुछ ड्रामे लिखे गए मगर वो दस्तियाब नहीं हैं। पारसी स्टेज के ड्रामे भी इब्तदाई उर्दू ड्रामों की तरह मंजूम होते थे, यानी कि नज़म की तरह होते थे। इनमें रक्स, मौसीकी और गानों का इस्तेमाल भी वैसा ही था। किस्से और किरदार भी फौके फितरी होते थे, मगर पेशकश का अंदाज इब्तदाई ड्रामों से मुख्तलिफ था। फौके फितरी यानी कि माफुकुल फितरी भी जिसे कहते हैं, यानी जिसमें देव जीन परी की बातें होती हैं, इस तरह के किरदार होते थे, मगर पेशकश का अंदाज इब्तदाई ड्रामों से मुख्तलिफ था। प्रोसेलिम यानी आगे गिरने वाले पर्दे का इस्तेमाल पारसी स्टेज से शुरू हुआ। अब स्टेज की पिछली दीवार पर सीन वाले पर्दे लगाए जाने लगे। हर जेली सीन पर भी पर्दे गिरने और उठने लगे। स्टेज पर तरह तरह के मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। मुकालमों में धीरे धीरे नसर का इस्तेमाल बढ़ा और मंजूम मुकालमे कम होते गए, गाने कम हो गए। फौके फितरी वाक़ियात और किरदारों के बजाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़ियात, मसाइल ड्रामे का मौजू बनने लगे।
इस तरह से अब हम लोग जान गए कि ड्रामा क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।